तो आज हम बात करेंगे कि हम सिंप्लीफिकेशन में जो हम टेबल्स, क्यूब्स एंड स्क्वायर्स सब याद करते हैं, वो हमें कहाँ तक याद होना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि कितना रटें कितना रटें, और बिगिनर्स खासकर बहुत इस चीज़ को लेकर वरीड रहते हैं कि हम कितना टेबल्स, हमें कितना याद होना चाहिए, कितना स्क्वायर्स याद होना चाहिए, नहीं हो रहा है ये वो। तो हम उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम टेबल की बात कर लेते हैं कि टेबल हमें कहाँ तक याद होनी चाहिए। तो टेबल आपको 11 to 20 याद होनी चाहिए, बस इनफ है। और टेबल ऐसा याद होना चाहिए कि जैसे रैंडमली कुछ भी नंबर, जैसे हम 12 7s, 13 8s, 18 9s, तो वो आपको एकदम से माइंड क्लिक करना चाहिए कि ये होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टेबल रट रहे हो, और जब एक्चुअल जब सिंप्लीफाई करने का टाइम आता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, उसको फिर सोचने लग जाते, तो उस बात का कोई सेंस नहीं बनता। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि 12 7s क्या होता है, 13 8s, या ऐसा रैंडम चीज़ें याद होनी चाहिए। और उसके बाद आपको 23 का टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि 23 जैसे कि प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर्स की टेबल तो हमें याद होनी ही चाहिए, तो 23 का तो याद होना ही चाहिए, बाकी तो उसमें आ जाएगा। और एक 25 का क्यों? क्योंकि 25 बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, 25 की टेबल, 25 के मल्टीपल्स बहुत फ्रीक्वेंटली सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होते हैं, तो 25 का टेबल आपको याद होना ही चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं कि 1 to 14 के स्क्वायर्स, स्क्वायर्स बस 14 इनफ है, 40 तक के स्क्वायर आप याद कर लो, बहुत होता है। और उसके बाद के जो नंबर है उनका क्या करना है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वीडियो में, तो बनी रहिए। 1 to 14 के स्क्वायर आपको रटने, ये रटने वाली चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ, तो वो रटने ही हैं आपको 1 to 40 के। तो ये स्क्वायर्स हो गए। और उसके बाद आपको 1 to 20 के क्यूब्स, 1 to 20 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए, यही आते हैं, इससे आगे वो नहीं आता है। और क्यूब्स भी ऐसा नहीं है कि, और अगर 21 से आगे के आएंगे भी तो ऐसा नहीं आएगा कि आपको 23 का क्यूब दे दिया कि इसका क्यूब निकालो, ऐसा नहीं आता है। आपको क्यूब रूट्स, क्यूब देखकर आपको क्यूब रूट्स निकालने होते हैं, तो वो आता है। क्यूब्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि या। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शंस की। तो फ्रैक्शंस तो मतलब पूरा अरिथमेटिक, पूरा सिंप्लीफिकेशंस फ्रैक्शन से भरा हुआ है, तो आपको फ्रैक्शंस तो याद होनी ही चाहिए। और कहाँ तक होनी चाहिए? तो आपको 1% से लेके 1/20% तक की वैल्यूज़ याद होनी ही चाहिए। अब हम पावर्स में बात करें कि हमें पावर्स कहाँ तक याद होनी चाहिए। तो कभी कभी सिंप्लीफिकेशंस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम पावर्स में ही हम देख के एक माइंड क्लिक करता है कि हाँ ये तो 2 की पावर इतना होता है या 3 की पावर इतना होता है, तो हम उसको देखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको 2 की पावर में 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, 3 में 3 की पावर 1 से 3 की पावर 5 तक की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, और 5 में 5 की पावर 1 से 5 की पावर 5 तक की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, और 7 में 7 की पावर 1 to 7 की पावर 4 तक की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। वैसे 7 की पावर 3 तो हम करते ही हैं, 3 4 3 होता है, वो हम क्यूब्स में याद कर ही लेते हैं, लेकिन 7 की पावर 4 जो है वो 49 का क्यूब होता है ऑफकोर्स। तो ये हमें पता होना चाहिए, हम मैच नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो बस वो हमें पता होना चाहिए। तो या और ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो हम मैच नहीं कर पाते कि हाँ ये नंबर ये भी होता है एंड वो भी होता है, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये तो हो गई रटने वाली चीज़ें, कि ये चीज़ें तो आपको रटनी ही है कैसे भी, और बहुत मुश्किल नहीं है। आपको भी लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कब हम रटेंगे, इतना नहीं हो पाता है, तो ऐसा नहीं है। आप रोज़ पढ़ पढ़ के या कैसे भी, अगर आप रोज़ लगभग 1 सप्ताह तक भी आप अगर इसको लिख के और रोज़ देखते हैं, रोज़ याद करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ट्रस्ट मी, क्योंकि हमने ये किया हुआ है तो हम एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। ट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि हमें ट्रिक्स किस किस चीज़ की याद होनी चाहिए। तो ट्रिक्स हमें याद होनी चाहिए 41 से 50 के स्क्वायर्स निकालने की, एंड 51 से 60 की, क्योंकि इतना याद नहीं रहता है। तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल लगभग 1 सेकेंड में ही आप उसको निकाल पाओगे कि कैसे स्क्वायर्स निकलते, तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, बहुत आसान तरीका बताया हुआ है मैंने, तो वो कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ यहाँ मैंने लिखी नहीं है, बट आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स जो देख के हम पता लगा सकते हैं, तो वो ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत बड़े बड़े क्यूब्स और स्क्वायर्स आपको दिए जाते हैं उसमें, और बस आपको देख के अंदाज़ा लगाना रहता है कि वो किस चीज़ का किस चीज़ का क्यूब है, तो आपको उसके क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकालने रहते हैं। तो उसकी भी मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोस में बहुत अच्छी ट्रिक बताई हुई है, आप आसानी से वो चीज़ें निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बस ये इनफ है। मतलब
आपको इससे आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको सिंप्लीफिकेशंस में या पूरी क्वांट में। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।